ओम वंदे गौ मातरम बंधुओ, लिख दो क्रांति से मैं हूं प्रभा, आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमारे देश में भारत बंद बुलाना या फलानी जगह कुछ बंद बुलाना, हड़ताल करना और हड़तालों में और इन बंदों में तोड़फोड़ करना एक बहुत ही सामान्य घटना बनती जा रही है। और ये तोड़फोड़ और ये जो नुकसान है वो इतना अधिक होता है कि इसकी भरपाई यदि जो नुकसान करते हैं उनसे करवाई जाए तो उनको आटे दाल का भाव पता चले, तो उनकी सारी पूरी प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी तो भी शायद ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता। पर ऐसी स्थिति में वो मात्र नुकसान जो करते हैं, उनको लगता है कि सरकार का नुकसान वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना भी नुकसान उसमें करते हैं, पर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और कई बार समझ के भी अनजाना, अनसुना या अनसमझा कर देते हैं, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ये बंद और आंदोलन बुलाए जाते हैं या किए जाते हैं उनमें कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जिनको मात्र भारत को तोड़ना होता है। जो मूल लोग होते हैं, जो ये आंदोलन कर रहे होते हैं, वो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं। उनको बहकाने वाले, उनको बरगलाने वाले और उनको भटकाने वाले ना जाने कितने सारे लोग होते हैं और उनकी शय से वो आंदोलन खड़े होते हैं। मित्रों, हमने बीच में एक यात्रा देखी थी, बहुत लंबी यात्रा थी, बहुत दूर से किसान आ रहे थे, लेकिन उनकी रैलियों में हमें विदेशी भी दिखाई दिए। कैसे, क्यों? विदेशियों को उनकी रैली में उनसे कोई रुचि नहीं है, पर उनके साथ में जो उनको जो संगठन काम कर रहे हैं, उनको जो धन मिलता है और वो धन भारत तोड़ने के लिए मिलता है, उसमें उनको रुचि अवश्य होती है। मित्रों, हम भारतीयों को, हम हिंदुओं को ये समझना होगा कि जब हम अपने गुस्से में अपने घर में टीवी, फ्रिज या कोई घर की चीजें नहीं तोड़ते हैं तो हम अपने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान कैसे कर सकते हैं? मित्रों, हम तुलना करते हैं अपने देश की जापान से, करना चाहते हैं कि जापान में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जापान के लोग अपने देश के लिए क्या करते हैं आपको पता है? जब वो हड़ताल करते हैं ना, तो जो काम कर रहे होते हैं उसमें 2-3 घंटे काम ज्यादा करते हैं, कम नहीं करते। वो अपने देश में तोड़फोड़ नहीं मचाते, वो अपनी संपत्ति को संभालते हैं, संजोते हैं। और हमारे यहाँ हड़ताल के नाम पर क्या क्या किया जाता ये हम सब जानते हैं। तो यदि आप सचमुच राष्ट्र के विकास के लिए हड़ताल कर रहे हैं तो ये विनाश क्यों, और ये विनाश कर रहे हैं तो आप हड़ताल के नाम पर जो विनाश फैला रहे हैं उसके परिणामों के लिए आपको भी तैयार होना होगा। क्योंकि जो संपत्ति की हानि हो रही है, भले आपकी जेब से नहीं जा रही है, लेकिन आपके लिए खर्च नहीं हो पाएगी, ये सोचिएगा आप। जेब से, क्योंकि आप कर नहीं देते हैं, आप कहेंगे हम तो बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं, हम कर कैसे दें। आप कर नहीं देते हैं, लेकिन जो कर देते हैं उनकी संपत्ति नष्ट होती है, पर वो संपत्ति कहीं आपके लिए खर्च हो सकती थी, वो संपत्ति आपने इस तरह नष्ट कर दी तो वो आपके लिए खर्च नहीं हो पाएगी। समझिएगा इस बात को, यदि आप समझेंगे तो शायद संपत्ति की हानि को आप बचा सकें। आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि क्रांति तो हम सबको मिलकर लिखनी है। धन्यवाद। वंदे मातरम।